निर्वाचन या मतदान जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। मतदान द्वारा जनता सरकारों को जो है कंट्रोल कर सकती है। हर 5 साल में जो है सरकार को बदलने का मौका जो है जनता के पास रहता है। मतदान और निर्वाचन से जुड़े कई सुधार हुए हैं, जिसमें वोटर आईडी का बनना, साथ ही वोट डालने की जो एज है 18 से लेकर 21 साल तक होना। आपने लेकिन दोस्तों बहस के दौरान सुना होगा, कुछ लोग ये तर्क देते थे कि वोटर आईडी को जो है आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों अभी बिल्कुल होने वाला है। अभी कैबिनेट में 2 बिल को जो है मंजूरी दी है, 2 बिल जो है कैबिनेट में ने पास किए हैं। उनमें से दोस्तों एक बिल ये है कि जो वोटर आईडी है उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी ये वैकल्पिक रहेगा, यानी कि अनिवार्य नहीं रहेगा। आप चाहो तो जुड़वा सकते हो, आप चाहो तो नहीं जुड़वा सकते हो दोस्तों। मैं और साथ ही साथ और भी देखिए, इसमें जो लोग जो व्यक्ति 1 जनवरी के बाद 18 साल के होते हैं, उनके लिए साल में 4 बार मौका रहेगा वोटर आईडी में लिस्ट वोटर लिस्ट में जो है नाम जुड़वाने का। दोस्तों निर्वाचन से संबंधित जब भी बात आती है तो एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है याद आते हैं, टीएन सेशन। टीएन सेशन दोस्तों बहुत ही उन्होंने क्रांतिकारी जो है बदलाव किए थे भारतीय निर्वाचन जो निर्वाचन से संबंधित। उनके कई नेताओं से जो है विवाद भी होते रहते थे। उनका सबसे बड़ा जो काम था दोस्तों ये था, आपको मैं बता दूं, एक टाइम ऐसा था कि जब जो है मतदाताओं के पास पहचान पत्र नहीं होता था, टीएन सेशन जी द्वारा ही दोस्तों जो है मतदाता पहचान पत्र जो है दिया गया है, यानी कि वोटर आईडी टीएन सेशन जी द्वारा ही दी गई है। वही दोस्तों राजीव गांधी जब पीएम थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सुधार किया था। जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 साल थी पहले, लेकिन राजीव गांधी जी ने दोस्तों ये वोट डालने की जो एज है 21 से घटाकर जो है 18 साल कर दी। तो दोस्तों बहुत जल्द ही संसद में जो है ये बिल पेश होगा। कैबिनेट ने तो दोस्तों मंजूरी दे दी है, अब ये बिल जो है पेश होगा। बिल है दोस्तों जो वोटर आईडी रहती है हमारी उसको जो है आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी ये वैकल्पिक रहेगा, अनिवार्य नहीं रहेगा। धन्यवाद।